तो दोस्तों आज इस खिलखिलाती धूप को देखने के बाद में भाई समझ में आ गया कि आज का दिन टफ रहने वाला है, आज का दिन इजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज भाई पारा, टेम्परेचर, धूप तीनों ही चीज़ें चढ़ रखे थे। खैर देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। वहीं जब नज़र गई वर्कलोड की तरफ तो उसको देखने के बाद हमने अब धूप की तरफ देखा, हमने कहा कैसे होगा ये काम। तो फिर हमारी नज़र गई हमारी ब्लैक पैंथर की तरफ, हमने कहा भाई क्यों हो जाएगा। तो ब्लैक पैंथर बोलती है आज तक कभी निराश किया क्या। दोस्तों इंसान जीवन में जो भी कुछ करता है सब अपने सपनों के लिए करता है, हाँ हम भी आप भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर हम पूरा दिन करते क्या हैं। जी हाँ, तो अभी जैसे कि आप सभी ने लास्ट के दो ब्लॉग्स में देखा होगा हमने बाइक राइड्स दिखाई हैं, तो आज हम दिखाएंगे उस बाइक राइड्स के दौरान हमारा काम क्या रहता है। तो इसकी छोटी मोटी झलकियाँ दिखाएंगे आज के इस ब्लॉग में आपको, तो बने रहिए, मज़ा आएगा आप सभी को इस पूरे ब्लॉग में। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उसकी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आना चालू हो जाए और वो अपने आप को यूट्यूब पे अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए, और यही सपना लिए मैं भी डेली वीडियोस बनाता हूँ। बाकी कौन कौन मेरी वीडियोस पसंद करता है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों यह बात समझ में आ चुकी है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं, हमें चीज़ों के हिसाब से बदलना होता है, और यही डेली कॉन्टेंट खोजने की तलाश में हम अपनी ब्लैक पैंथर को चमका करके डेली निकलते हैं कुछ वीडियोस बनाने के लिए, मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। तो आइए बताते हैं आज क्या हुआ हमारे इस पूरे पूरे दिन में। फाइनली इधर के दो पैकेट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इधर से निकलते हैं हम सेकंड लोकेशन पे, और फिर तो हम जाएंगे भराएंगे पेट्रोल, फ्यूल अप कराएंगे। गाड़ी में फ्यूल कम है, तो जी हाँ दोस्तों यही काम है हमारा डेली का कि डेली हमें कोरियर डिलीवर्स करने होते हैं। और आज के दिन में जब हमने अपने कोरियर की शुरुआत करी तो भाई हमारे हैंडल पे बैठा ये पैकेट हमारे लिए मानो बवासीर का काम कर रहा था। जी हाँ, ना इसका कस्टमर फ़ोन उठा रहा था और ना ही हम इस तक पहुँच पा रहे थे। फिर क्या था, हमने अपनी मेहनत चालू रखी और बाइकिंग करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन को रीच करते रहे। थोड़ी देर बाद इस कस्टमर के साइड से ही हमें कॉल आता है और ये बंदा कहता है कि हाँ मुझे पैकेट चाहिए। फिर क्या था, हमारे जीवन का ये बवासीर आखिर दूर हुआ। तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले लेकर के चलते हैं अपनी इस ब्लैक पैंथर को इसमें पेट्रोल भराने के लिए। जी हाँ, क्योंकि बगैर पेट्रोल के तो ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो हम आ जाते हैं वापस से उसी जगह पर जहाँ पर हम रेगुलर पेट्रोल भरवाते हैं। हाँ नहीं अंकल जी, दोस्तों पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद में भैया काफ़ी शॉक्ड हो गए, वीडियोस बन रही थी इन चीज़ों को देख करके, और अंकल जी इन चीज़ों को देख करके उनको समझा रहे थे कि कुछ ऐसा मत बोल देना जो वीडियो पर रिकॉर्ड हो जाए। तो हाँ, ये चीज़ें लोअर रिएक्शन देखने में काफ़ी मज़ा आता है जब हमें वीडियोज़ बनाते लोग देखते हैं, और उनके मन में डाउट भी होता है कि क्या ये गिरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ उनके ये सारे के सारे डाउट क्लियर कर देते हैं कि नहीं भैया अच्छी तरीके से इसे माउंट कर रखते हैं, ये इतना जल्दी नहीं गिरने वाला। फिर क्या था, यहाँ से पेट्रोल भराने के बाद हम फटक से निकल जाते हैं अपना काम कंटिन्यू करने के लिए। जी हाँ, वही कोरियर डिलीवर, और इस बवासीर वाले पैकेट को डिलीवर करने के लिए सबसे पहले हम निकल जाते हैं, और ये कोरियर होता है अंकुर नर्सिंग होम के पास का। तो पहुँचते हैं हम फटाफट से अंकुर नर्सिंग होम और वहाँ पर डिलीवर करते हैं इस कोरियर को, फिर इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अंकुर नर्सिंग होम के पास की भी एक अलग कहानी है। यहाँ पे अगर आप दोपहर का टाइम कभी भी आओगे तो आपको रोड पे कहीं भी छांव नहीं मिलेगी,
छांव लेना है तो इसकी गली के अंदर में जाना पड़ता है। और ठीक, हमने वही किया, इसकी गली में पहुंच करके अपना काम शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे ना ही सामने में कोई पेड़ वगैरह लगा हुआ है जिसके चलते यहाँ पे छांव नहीं आती है। तो हम भी घुस गए गली में और ले ली इस छांव वाली जगह को और फटक से अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी मैं हूँ ऐसी गली में जहाँ से भाई बस एक गाड़ी अगर आ गई तो दूसरी गाड़ी निकल जाए, और अपने को यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी गली में घुस गए थे जहाँ पे कोई बाइक या कोई भी व्यक्ति अगर घुस जाए तो उसके बगल से दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता था। और इस गली में हमने सोचो अपनी बाइक घुसेड़ दी, जहाँ से तो यार कोई भी, यानी कि हमारी बाइक घुसने के बाद कोई भी बंदा अंदर बाहर नहीं जा सकता था। फिर क्या था, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक निकाली और फिर हम निकल गए अपनी दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए। दोस्तों यहाँ से हमने अपनी बाइक चलाना शुरू ही किया था कि पीछे से आ गए हमारे R15 वाले भैया, जिन्होंने लिया हमसे टशन और हमसे करी रेस। लेकिन थोड़ी देर ये रेस चली, फिर उसके बाद में हमने इस रेस को कर दिया एंड। मैंने कहा भैया आप आगे जाओ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो मैं रेस वगैरह लगाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर क्या था, हमने अपनी ब्लैक पैंथर लिया शांत और लेकर निकल गए हम इसे इसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जी हाँ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी थी पारस ग्रीन अपार्टमेंट के पास में, और हमने अपनी गाड़ी फटक से दौड़ाई और पारस ग्रीन अपार्टमेंट पहुँचाई। और वहाँ पर जाकर के सबसे पहले हमने अपनी एंट्री करवाने की सोची, लेकिन वहाँ के गार्ड्स वगैरह ने कहा भैया जाओ। तो हमने कहा ठीक है भैया जा रहे हैं, तो आप बस मज़े उड़ाओ। और हम पहुंच गए यहाँ पे पारस ग्रीन अपार्टमेंट और फटाक से हमने गाड़ी मोड़ करके हमने सबसे पहले जाकर लगाई पारस ग्रीन अपार्टमेंट की गेट पे, और गार्ड साहब से कहा भैया कर लो एंट्री, मगर इनका कहना है भाई जाओ। गाइस ये है पारस ग्रीन अपार्टमेंट और इसके अंदर हम लोग फिलहाल आ चुके हैं और चलते हैं अभी 34 सेकंड। दोस्तों पारस ग्रीन अपार्टमेंट में जब मैं आता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी करने की सिर्फ एक ही जगह है, और मैं हमेशा वो जगह ढूंढता हूँ जहाँ से लिफ्ट बहुत ही पास में हो, ताकि मैं फटक से लिफ्ट से नीचे आऊँ और फटक से अपनी गाड़ी बैठूँ और निकल जाऊँ। और ठीक मैंने उसी जगह गाड़ी लगाई जहाँ से हमेशा लिफ्ट पास मिलती। फिर क्या था, यहाँ से काम बनने के बाद हम निकल गए अपने घर के लिए, और हमने एक चीज़ ध्यान देना भूल गए कि कैमरा माउंट करते वक्त हमारा फ़ोन का जो एक्सपोजर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, जिसके चलते लाइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रही थी। और हाँ, आप इस क्लिप में देख सकते हो, लेकिन हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ें भी डाल ही दी जाए ताकि हमारा वीडियो 8 मिनट से ऊपर का हो जाए। तो हमने भी इस क्लिप को यूज़ किया अपने इस व्लॉग में और इस व्लॉग को कर दिया एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से एक नए व्लॉग के अंदर में, और तब तक के लिए वेट करो और अपने आस पास साफ़ सफाई बना कर रखो और अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग के अंदर में।